सभी को आदाब। मैं यहाँ पे गोलीवाला भी है और ये कर्नाटक कॉलेज के पीछे सिद्धार्थ नगर नगर बोल के बोलते हैं, वार्ड नंबर 32 में आता है। रात में शॉर्ट सर्किट होके घर बहुत ही सीरियस, पूरा घर जल के पूरा राख हो गया है। घर में कुछ भी बचा नहीं, फ्रिज था, टीवी था, कपड़े थे, कुछ बच्ची की शादी करने के लिए कुछ पैसा रखे थे, सभी कुछ जल गया है। ये लोग सभी लोग घर के बाहर रोड पे बैठे हुए हैं, बहुत ही परेशान थे। बाद में मुझे पता चला, कुछ लोग आके मुझे बोले कि बहुत ही मामला सीरियस है, तो मैं अभी यहाँ विजिट किया हूँ। यहाँ पे बिरजू भी है, हमारे चंदू साथ है और बहुत से सीनियर जबी भाई, सभी सीनियर लोग है। तो हमारे नबी भाई भी जनता दल के सिटी प्रेसिडेंट, वो भी कर्नाटक कॉलेज के बाजू के रहते हैं, उनके पास भी लोग जाके अप्रोच हुए, तो उन्होंने भी देखने आए थे। फिर मुझे यहाँ पे रात में लोग आकर, वो भी बहुत अफसोस है, तो उनका भी प्रेशर था मुझे ये गरीब लोगों को मदद करो बोल के। तो मैं मेरे तरफ से इमीडिएट अभी 10,000 रुपये दियूँ, क्योंकि कुछ खाना कपड़े ला के तो रह सकते हैं ये लोग, और इनको पता तक नहीं कि कार्रवाई किस तरीके से करना। वो फायर इंजन को बोल दिया, बैठ गए फायर इंजन वाले आके खाली रिपोर्ट नहीं। ये मेरे हिसाब से 4-5 जगह इनकी रिपोर्ट बनना चाहिए, मैं बाद में केबी वाले लिख के देना हाउस शॉर्ट सर्किट से हुआ बोल के। अगर वो लिख के नहीं देते तो इनको कुछ भी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ फाइनेंस नहीं मिलता। अभी ये वार्ड के हमारे गुम्मे साहब आके हैं, उनका भी कल रात में मुझे बात किए थे कि ऐसा है, उनके एरिया में बहुत बड़ा सीरियस एक घर जल गया बोल के। तो मैं उनको भी धन्यवाद बोलता हूँ। तो मेरे तरफ से 10,000 रुपये इमीडिएट मैं हेल्प किया हूँ ताकि कपड़े और खाने का इंतज़ाम कर सके 1-8 दिन, जब तक गवर्नमेंट से क्या कार्रवाई होती है, जो भी बेनिफिट्स होते हैं मैं ज़रूर ये लोगों को दिलाऊंगा। इतना बोलते हैं, शुक्रिया अदा। रात में शॉर्ट सर्किट हुआ बार बार करंट आने जाने वजह से। अंदर दो बच्चे हमारे, दो हमारे घर वाले थे, आग लग को बाहर आने के लिए हमारे होना नहीं था। फायर इंजन को फ़ोन किए, फायर इंजन नहीं आई। मोहल्ले में कुछ लोग थे, उन्होंने हम लोग को बाहर निकाला, इसके वजह से हमारी जान बच गई, वरना हम लोग आज हो गया था सब ख़त्म। हमारा बहुत नुकसान हुआ है साहब, हमारे को अभी के अभी कुछ मदद करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। सब घर में लोग आते, कपड़े पहनने को कपड़े नहीं है अब सर, पूरा जल गया है। अब यहाँ पर MLA रहीमखान साहब आपकी मदद किया ना? हाँ, उन्होंने मदद की है सर, पर हमारा बहुत नुकसान है। आपसे बहुत धन्यवाद सर, आपको 10,000 दिए उन्होंने, फिर भी उससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन तो हो जाएगा, पर बहुत ही नुकसान हुआ है सर हमारा। हम लोग होटल में, हमारे घर वाले काम करके खाते हैं, उन्होंने शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, वो भी जल गए, अलमारी जल गई, कपड़े जल गए, सब कुछ जल गया सर। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अंदर थे, सांस लेने को जगह नहीं थी सर बाहर आने के लिए। फायर एजेंसी को कितना फ़ोन करना, फायर एजेंसी नहीं आ रही है। मोहल्ले वाले थे, आजू बाजू वाले, उन्होंने निकाला।